हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। अभी मैं दोपहर के टाइम से, दोपहर नहीं, ऑलमोस्ट शाम होने को ही है, तो अभी से मैं आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के टाइम से मैं बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं कर पाई क्योंकि यूनिवर्सिटी में ना कुछ प्रोग्राम चल रहा है जिस वजह से इतना ज़्यादा माइक्स वगैरह के साउंड आ रहे हैं ना, और ऊपर से थोड़ा छोटा मोटा कुछ घर का हमारा काम भी था। तो अभी मैं और सौरभ निकल रहे हैं थोड़ा मार्केट। चलिए, अभी मैं और सौरभ थोड़ा मार्केट निकल रहे हैं, चिकन विकन थोड़ा खरीदना है। घर पे सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं है। जब से हम लोग वहाँ से घूम के आए हैं ना, उसके बाद से मार्केट जाना ही नहीं हुआ। मैंने बस बिग बास्केट से ग्रॉसरीज और अंडे का ट्रे, ये सब कुछ मैंने ऑर्डर कर दिया था, तो वो आ गया है। अदरवाइज सब्जी इस महीने मुझे कुछ अच्छा खासा नहीं मिला, इवन ऑफर में भी नहीं मिला, अवेलेबिलिटी भी बहुत कम था। तो सौरभ ने मुझे बोला कि चलो बाहर एयरपोर्ट के तरफ जो रोड है। क्या हुआ? हाँ, क्यों घूम गए तुम? देखो देखो, दिखाओ। अब तो तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा। नहीं दिखाता है। अब तो तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा। कितना है मुझे दिखाओ अभी। अरे दिखाओ दिखाओ। अरे कुछ मतलब नहीं, पैसा गिन रहा था, जैसे ही मुझे देखा वो पर्स लेके घूम गया। चलो हो गया। नहीं, भगवान के नाम पे कुछ देते नहीं मिलेगा। मैंने नजर लगा दिया है ना, अब देखना एक वहां से ना एक गायब हो जाएगा, एक 500 का नोट। एनीवेज, तो अभी हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट के साइड में। वहाँ पे ना विलेज एरिया में काफ़ी चीप प्राइस में ऑर्गेनिक फ्रेश वेजिटेबल्स मिलती हैं। इससे पहले भी हम लोग ना उस साइड में जाते थे कभी कभी वेजिटेबल्स खरीदने के लिए। आजकल अगर जाना नहीं होता है, आजकल ना मैं मैक्सिमम टाइम बिग बास्केट से या तो जो हमारे घर के आसपास जो मार्केट है वहीं से ही मंगवा लेते हैं। और एक बैग ले लो ना, एक में नहीं होगा, नहीं होगा, सब्जी लेना है और चिकन विकन भी लेना है ना, दो बैग ले लो। तो आज जा रहे हैं हम लोग काफ़ी दिन बाद, देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं। आज यूनिवर्सिटी में कुछ तो प्रोग्राम चल रहा है सुबह के टाइम से ही, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक भी बस यहाँ पे है नहीं। सारे ना यहाँ पे गाड़ी पार्किंग एरिया में डाल दिए हैं, गाड़ी स्कूटी बाइक्स ये सब कुछ, और उसके बावजूद भी काफ़ी सारे गाड़ी ना अभी यहाँ पर पार्क कर रहे हैं लोग। और बाकी के जो सारे उनके बसेस हैं ना पिक एंड ड्रॉप वाले, वो सारे यहाँ पर प्ले एरिया में रख दिए हैं। तो शायद कुछ तो चल रहा होगा क्योंकि सुबह के टाइम से बहुत ज़्यादा माइक की आवाज़ भी आ रही है। लेकिन इन लोगों का देखिए खेलना बंद नहीं हुआ है। जो लोग स्पोर्ट्स पसंद करते हैं ना, उन लोगों को किसी भी हालत में आप छोड़ दो, वो लोग खेलेंगे ही फॉर श्योर। तो यहाँ पे ये सब लोग खेलने के लिए भी आ गए हैं, सब लोग खेल रहे हैं, और साथ में यूनिवर्सिटी में चल रही है कुछ प्रोग्राम। और देखिए बाहर आज आसमान इतना भी ज़्यादा क्लियर है नहीं, थोड़ी फॉगी फॉगी सा है। बारिश तो नहीं आएगी क्योंकि धूप है भरपूर। चलो भेजा हेलमेट, मेरा हेलमेट तो इधर है, तुम्हारा हेलमेट कहाँ है? चलिए निकलते हैं, बाहर काफ़ी धूप है लेकिन ठीक है, नहीं तो और टाइम नहीं मिलेगा, अभी जाना पड़ेगा मार्केट। कहाँ, गाड़ी तो पंक्चर नहीं है? हाँ काफ़ी हवा है। सौरभ मुझे ऊपर बोल रहा था कि वो जब सुबह के टाइम पे मार्केट गया था ना, उस टाइम पे उसने नोटिस किया था कि स्कूटी में ना ये आगे वाले टायर में हवा थोड़ा सा कम है या पंक्चर है, ऐसा कुछ वो बोल रहा था। लेकिन अभी तो देख रही हूँ हवा एकदम भरपूर है। हाँ काफ़ी है, चेक करवाना है क्या फिर भी एक बार? चलो चेक करवा लेते हैं, नहीं तो चलो सेफ्टी के लिए एक बार चेक करवा ही लेते हैं, रास्ते में अगर पंक्चर हो जाए तो। ठीक, देखिए सनसेट हुई ही नहीं, जस्ट धूप गई है, इतने में ही चंदा मामा भी आ गए हैं। कितना अजीब लग रहा है ना, दिन के उजाले में चंदा मामा आके हाजिर हो गया। तुमने बुला लिया क्या? हाँ। मुझे लग रहा है कि तुमने आज जल्दी जल्दी बुला लिया, बहुत सुंदर लग रहा है। आज जल्दी कर दिया ना, जैकेट लेके नहीं आए, देखो कितनी ठंड लग रही है, मस्त हवा चल रही है ना, और पूरा फॉरेस्ट एरिया है तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। ये ना इस साइड में गाँव वाला रास्ता में बहुत ठंड होती है, मेरा बिल्कुल दिमाग से चला गया था, नहीं तो फिर एक जैकेट हमेशा हम लोग कैरी करते हैं जब भी स्कूटी से हम लोग इस साइड में आते हैं। मैनेज कर लोगे?
वेस्ट बंगाल में ना एक प्रॉपर टाइम पे ये जो आम का फूल है ना ये लगती है, कौन सा महीना एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, लेकिन बैंगलोर में ना पूरा महीना ही आम मिलती है और पूरा महीना ही पेड़ में ना ये फूल रहती है। इसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं आमेर मुकुल, शायद आप लोग समझ ही पा रहे होंगे। एकदम पूरा भरा हुआ है, दोनों साइड में ही मैंगो का ही बड़े बड़े पेड़ है और यहाँ पे इतनी अच्छी खुशबू है, तो मैंने सौरभ को यहाँ पे बोली है कि थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक दो, इतना अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी इसको फील करने दो, क्योंकि ये पूरा गांव वाला रोड है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के लोग ना इसी खेत में ही सब्जी वगैरह सब कुछ उगा के छोटे छोटे स्टॉल लगा के ना वहीं पे वो लोग बेचते हैं, और जो खाद वगैरह होता है यानी सार वो भी बहुत कम देते हैं वो लोग, तो काफ़ी ऑर्गेनिक और फ्रेश चीज़ें यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर हो गया है हमारा सब कुछ लेना, चलो अभी चलते हैं। अभी सब्जी का कोटा हमारा कंप्लीट हो गया है, नॉनवेज लेना है, चिकन विकन लेना है, उसके बाद घर जाएंगे। अभी भी सनसेट नहीं हुई है, जब हम लोग निकले थे ना उस टाइम पे काफ़ी धूप था, अभी सनसेट नहीं हुई है, होने ही वाली है। सामान खरीदना हो गया, अभी यहाँ पे थोड़ा सा पानी पूरी भी खा लेते हैं। मैं और सौरभ यहाँ पे कटोरी लेके वेट ही कर रहे हैं पानी पूरी के लिए। यहाँ पे अभी भैया बना रहे हैं, मैं कैसे दूँ, भैया को पूछो ना, भैया यूपी से है तो इनके साथ हमारा बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग बन गया है। हम लोग जब भी इसी साइड में आते हैं ना इन्हीं से ही पानी पूरी खाते हैं, बहुत मस्त बनाते हैं पानी पूरी। सो घर तो आ गए हैं और घर आके अभी मैं डिनर की तैयारी भी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हूँ। लहसुन का पेस्ट तो मैं इससे पहले एक दिन बना के रखी थी, अभी भी काफ़ी सारा है, काफ़ी दिन तक चल जाएगा, लेकिन अदरक का पेस्ट एकदम ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पे मैंने अदरक छील के थोड़ा पेस्ट बना लिया है, क्योंकि अदरक पेस्ट तो हर एक सब्ज़ी में थोड़ा सा चाहिए ही होता है ना। इवन हम लोग ना बंगाली लोग वेज के दिन लहसुन नहीं खाते, लेकिन अदरक पेस्ट हम लोग सब्ज़ी में ज़रूर डालते हैं। और चिकन को भी यहाँ पर मैंने वॉश कर लिया है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अभी बनाऊँगी बटर चिकन, और बाकी का चिकन फ्रिज में ऑलरेडी रख दी हूँ, अब वो बाद में बनाऊँगी। काफ़ी दिन से ना सौरभ मुझे बोल रहा था कि एक दिन बटर चिकन बनाओ, बटर चिकन बनाओ, तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो आज ही बना लेते हैं। तो बटर चिकन के लिए यहाँ पे मैंने चिकन अच्छे से वॉश कर लिया है, और उसके साथ मैं बनाऊँगी जीरा राइस। तो यहाँ पे बासमती राइस को भी मैंने निकाल के रखी है, इसको भी भिगो के रखूँगी आधा घंटा या 40 मिनट, तब तक चलिए मैं चिकन का मैरिनेशन कर लेती हूँ और आप लोगों से भी बटर चिकन का रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चिकन में अब मैं डाल दूँगी 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, नमक टेस्ट के हिसाब से डालना है, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 चम्मच, हल्दी बिल्कुल ना के बराबर, वैसे ये ऑप्शनल है। अब इसमें दही डाल दूँगी 2 से 3 चम्मच, थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल 1 या 2 स्पून, वो भी छोटे स्पून का, एक छोटा टुकड़ा बटर का, अगर आप मेल्ट करके डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे ऐसे होल क्यूब ही डाल दी है, ये ऑटोमेटिकली इसमें पिघल जाएगी, और थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये बिना रोस्टेड वाला है, अगर आप चाहो तो रोस्ट करके भी डाल सकते हो। अब इन सारे चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको छोड़ देना है लगभग 1 घंटे के लिए, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप 2 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हो। और चिकन के पीसेस जो है ना मैंने यहाँ पे बोनलेस एंड विथ बोन दोनों ही यूज़ की है, लेकिन अगर आप चाहो तो नॉर्मल जो बोनलेस आता है ना सिर्फ उससे भी आप बना सकते हो, उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, लेकिन मेरे घर पे ना प्रॉब्लम है, मुझे बोनलेस पसंद नहीं है और सौरभ को विथ बोन पसंद नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे मिक्स करके ही डाली है। तो मैरिनेशन हमारा हो गया है, अभी इसको 1 घंटे के लिए ढक के रख देते हैं। अभी कर लेते हैं फटाफट से ग्रेवी की तैयारी। बटर चिकन का ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें ले ली हैं, यहाँ पे रफली चॉप्ड ऑनियन है, टमाटर है, एक्चुअली यहाँ पे 1 बड़ा साइज़ का ऑनियन है और 2 मीडियम साइज़ का टमाटर है, और यहाँ पे कुछ 4-5 हरी मिर्चियाँ हैं, 2 सूखी लाल मिर्च है यहाँ पे, और ये रहा कुछ तेज़पत्ता और जो खड़े गर्म मसाले होते हैं ना, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, 4-5 लौंग के है, यहाँ पे जावित्री भी है, यहाँ पे जीरा है थोड़ी सी, तो ये सब कुछ मैंने थोड़ा सा कटिंग चॉपिंग कर ली है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। सो कढ़ाई मैंने ऑलरेडी चढ़ा दी है, इसमें डाल दूँगी छोटी सी क्यूब बटर, और साथ में ये जो मैंने कटिंग चॉपिंग करके रखी थी ना, ये सारे चीज़ों को ना एक ही साथ डाल देना है, साथ में कुछ काजू बादाम भी मैं यहाँ पे डाल दूँगी, अगर आप चाहो तो बाकी के जितने सारे ड्राई फ्रूट्स हैं ना एलमंड्स वगैरह वो भी डाल सकते हो, थोड़ी सी नमक ऑब्वियसली ताकि ये जल्दी पक जाए। अब इन सारे चीज़ों को ना बहुत ही अच्छे से चला लेना है, जब ये हल्की सी फ्राई हो जाए उस टाइम पर हमें डाल देना है थोड़ा सा पानी, और इसको भी थोड़ी देर के लिए ढक के पकाना है ताकि सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद जैसे ही ये मसाला थोड़ा ठंडा हो जाएगा हमें मिक्सर में डाल के इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है, तो अभी लो फ्लेम में इसको 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देते हैं।
ये जो इंडोर प्लांट्स मैं खरीद के लेके आई थी ना, तो देखिए ये मनी प्लांट तो बहुत ही अच्छा खासा चल रहा है, और ये देखिए मनी प्लांट में एक नया पत्ता भी आ गया है और एक भी आ रहा है साथ में, और ये साइड से भी ना छोटे 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 आ ही रहे हैं सारे पत्ते, तो ये तो बहुत अच्छा खासा चल रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों ये वाला ना सूख गया, तो ये मैं दो लेके आई थी, एक यहाँ पे है और एक लिविंग हॉल में है। लिविंग हॉल वाला बहुत ही अच्छे से चल रहा है, इवन इसमें तो नए पत्ते भी आ चुके हैं, लेकिन ये मैं देख रही हूँ कि अचानक से सूख गया है। पानी वानी सब कुछ प्रॉपर डाल भी रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा है, दिखने में तो बहुत अजीब लग रहा है। ये सौरभ बोल रहा है कि इसको फेंक दो और दूसरा कुछ ले आके इसमें डाल दो, लेकिन मैं अभी भी होप नहीं छोड़ रही हूँ, मैं थोड़ी सी और कोशिश में हूँ अगर इसको मैं बचा पाऊँ तो, लेकिन लग नहीं रहा है, फिर भी चलिए लेट्स ट्राई। एनीवेज तो पेस्ट तो अभी मैं बनाऊंगी, यहाँ पे मैंने ठंडा होने के लिए रखी है सारे मसाले को, और कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है गैस पे, इस साइड में मैंने चावल भी चढ़ा दिया है जीरा राइस के लिए, और चिकन भी बहुत अच्छे से मैरिनेटेड हो चुकी है। ये देखिए अभी बनाऊंगी चिकन टिक्का, बटर चिकन का ना यही एक फंडा है, चिकन टिक्का अलग से बनाना पड़ता है और ग्रेवी अलग से बनाना पड़ता है, फिर दोनों को मिक्स करना पड़ता है, तो चलिए आप लोगों से शेयर करते हैं। तो अभी मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है गैस पे, उसमें मैंने डाल दी है थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल और साथ में बटर। अभी तेल अच्छे से गर्म होने के बाद सारे चिकन का जो मैरिनेटेड पीसेस हैं उसको आराम से डाल देना है, और मीडियम फ्लेम में इसको पकाते रहना है जब तक ये एक साइड से बहुत ही अच्छे से पक न जाए, क्योंकि अगर आप इसको बार बार पलटी करोगे ना तो इसमें ये टूट सकता है, तो थोड़ी थोड़ी गैप में ऐसे इसको डाल देना है ताकि एक दूसरे के साथ चिपके ना, अदरवाइज मैरिनेटेड चिकन है ना थोड़ा वैसे भी सॉफ्ट हो गया है, काफ़ी टाइम टूट जाने का चांसेस भी होते हैं। मैरिनेशन का जो मसाला है इसको भी ऊपर से डाल देना है। गैस का फ्लेम अभी एकदम मीडियम है और आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा ना ऑयल सेपरेट होना भी छोड़ दिया है, और उसमें उसके साथ पानी भी छोड़ना स्टार्ट हो गया है, तो अभी इसको एक बार पलट देते हैं, और ऐसे ही जब अच्छे से ये मसाला चिकन के साथ लग जाएगा और चिकन भी अच्छे से पक जाएगी उस टाइम पे इसको निकाल लेना है। तो इसको ना और थोड़ा 10 मिनट टाइम लगेगा, क्योंकि मैं इसको खुले में ही पका रही हूँ, ढक के पकाने से ना बहुत ज़्यादा चिकन का पानी निकल जाता है और फिर जो टिक्का का मज़ा है वो आता नहीं है, तो इसको खुले में अगर आप पकाओगे तो 10 से 15 मिनट का टाइम तो लगेगा ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टिक्का बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो गया है, बहुत ही सॉफ्ट हो गया है, और साथ में देखिए ग्रिल मार्क्स भी आ गए हैं, तो इसको और नहीं पकाना है। यहाँ पे देखिए मैंने ये जो मसाले का पेस्ट था ना वो मैंने तैयार कर ली है। अब मैं फॉलो करूँगी एकदम सिंपल सा शॉर्टकट प्रोसेस, जो कि है इसी चिकन के अंदर ही मैं डाल दूंगी ये पिसी हुई मसाला, मिक्सर का जार धो के डाल दूंगी थोड़ी सी पानी। अब इसमें हमें नमक वगैरह और कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि चिकन मैरिनेशन के टाइम पे ऑलरेडी नमक था, मसाले के टाइम पे भी मैंने थोड़ी सी नमक डाली थी प्याज टमाटर में, तो इसीलिए अभी और बिल्कुल भी नमक मत डालना, क्योंकि चावल में यानी जीरा राइस में भी नमक डेफिनेटली होगी, तो बहुत ही ज़्यादा नमक हो जाएगा उस टाइम पे। मैं शायद लास्ट टाइम बटर चिकन बनाई थी जब हम लोग नोएडा में थे, यानी ऑलमोस्ट 2 साल पहले, उसके बाद मैं आज बना रही हूँ, तो थोड़ी सी तो मैं टेंशन में हूँ कि पता नहीं उस टाइम की तरह इतना अच्छा बनेगा कि नहीं। उस टाइम पे ये रेसिपी मैंने रिया किलोसई में शेयर की थी, तो अभी तो जैसे वो वाला चैनल अभी और मैं हैंडल नहीं करती हूँ, तो जो कुछ भी रेसिपी बनाती हूँ मैं मेरे इस चैनल में ही शेयर कर देती हूँ। तो काफ़ी सारे लोग ना बटर चिकन का ये जो ग्रेवी है यानी ये जो मसाले का पेस्ट जो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली डाल दी है, काफ़ी सारे लोग उसको छान के भी डालते हैं, और काफ़ी सारे लोग तो कढ़ाई में दोबारा बटर डाल के फिर उसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल के फिर ग्रेवी डालते हैं, ग्रेवी को अच्छे से पकाने के बाद फिर चिकन के टिक्का डालते हैं, तो मैं इतना झंझट में नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा जो शॉर्टकट है उसी को ही फॉलो करना पसंद करती हूँ। अल्टीमेटली मैंने दोनों ही ट्राई करके देखी है कि टेस्ट ना दोनों का ही सेम ही आती है, तो इसलिए इतना कौन मेहनत करेगा है ना, तो ऐसे ही मैंने छोड़ दिया। और ऊपर से बटर तो काफ़ी ज़्यादा है, और डालूंगी तो फिर एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि अभी भी जो इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है फ्रेश क्रीम, ये जाना बाकी है। बटर चिकन तो फ्रेश क्रीम और कसूरी मेथी के बिना बिल्कुल अधूरा है, तो कसूरी मेथी उस टाइम पे तो मैंने रॉ डाली थी चिकन मैरिनेशन में, तो अभी इसको मैं थोड़ा सा तवा में रोस्ट कर लूँगी, रोस्ट करने के बाद इसको मैं क्रश करके डाल दूंगी बटर चिकन के ऊपर। तो यहाँ पे जीरा राइस के लिए राइस भी ऑलमोस्ट पक गया है, राइस में मैंने नमक डाल दी थी और थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल। अब देखते हैं ग्रेवी, आहा देखिए बढ़िया कलर आया है, वाओ अभी मुझे थोड़ी सी कॉन्फिडेंस मिल रही है। एनीवेज अभी इसमें डाल देते हैं क्या बोलते हैं इसको, फ्रेश क्रीम। हाँ एक्चुअली ये सारी चीज़ें ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ ना, नाम भूल जाती हूँ, तो इतना ही काफ़ी है लगभग। अगर चम्मच के हिसाब से बताऊँ तो
तीन से चार चम्मच या मैक्सिमम पाँच चम्मच मैंने इसमें डाली है। आप जितना रिच इसे बनाना चाहते हो उतना बना सकते हो। अभी एंड में डाल देना है यहाँ पे रोस्टेड कसूरी मेथी, साथ में फ्रेशली कटी हुई धनिया पत्ता, और इसको अभी चला देते हैं। आप ना जितना चाहो इसको रिच बना सकते हो बटर और फ्रेश क्रीम से, लेकिन जैसे कि हम लोग घर के लोग ही खाने वाले हैं, कोई गेस्ट तो आ नहीं रहे हैं, तो इसीलिए इसको मैंने बहुत ही सिंपल सा रखी है। मतलब इतना भी मैंने रिच नहीं बनाई है, अदरवाइज़ बटर चिकन जितना आप रिच बनाओगे ना उतना ही इसका मज़ा ज़्यादा है। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया है। इससे जो खुशबू आ रही है ना गाइज, मैं शायद आप लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी। तो इसको अभी ढक के रख देती हूँ और जीरा राइस बना लेती हूँ। जीरा राइस की रेसिपी तो और आप लोगों से शेयर करने की कोई ज़रूरत है नहीं आई थिंक, क्योंकि इससे पहले काफ़ी सारे व्लॉग में मैंने काफ़ी बार रेसिपी जीरा राइस की मैं शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन जो लोग आज मेरे चैनल पे पहली बार है उन लोगों को मैं फटाफट से थोड़ा सा बता देती हूँ। चावल को पहले बॉयल कर लेना जैसे कि मैंने किया है, थोड़ी सी नमक और रिफाइंड ऑयल से। फिर जब चावल 80 और 90% तक बन जाएगा ना, उस टाइम पर उसका पानी स्ट्रेन कर लीजिए। फिर कढ़ाई में थोड़ी सी घी और तेल मिक्स करके, या तो फिर कोई एक भी आप डाल सकते हो। डालने के बाद उसमें खड़े मसाले डाल दीजिए, जो कि होता है लौंग, इलायची और कार्डमम, सिनेमन और भी जो जो सारे होते हैं ना, जो हम लोग होल गर्म मसाला जिसे बोलते हैं, वो सब कुछ डाल दो। और मेन जो इंग्रेडिएंट्स है वो है जीरा। आपको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में उसमें जीरा डालना पड़ेगा, एक दो सूखी लाल मिर्च को तोड़ के डाल दो, और फिर उसमें चावल डाल दो, अच्छे से मिला लो। मिलाने के बाद ऊपर से थोड़ी सी धनिया पत्ता वगैरह अगर आप चाहो, वैसे ऑप्शनल है, तो गार्निशिंग के लिए डाल सकते हो। दैट्स इट, हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं फटाफट बना लेती हूँ जीरा राइस, उसके बाद खाना सर्व करूँगी और आप लोगों को प्लेटिंग भी दिखाऊँगी कि कैसा लग रहा है, और हाँ डेफिनेटली साथ में फीडबैक भी। तो ये सर्व हो गया है और अभी सौरभ देगा फीडबैक। मैंने तो टेस्ट नहीं किया था, सौरभ डायरेक्ट फीडबैक देगा। सच में बहुत अच्छा चिकन, काफ़ी जूसी और सॉफ्ट बनी है ना। यस। मैंने टेस्ट नहीं किया लेकिन देख के ही पता चला। देखो कितना पॉइंट दोगे, 10 में 10 में 10? हाँ, 10 on 10। वाओ, थैंक्स कि तुम्हें पसंद आया। मेरी मेहनत कामयाब हुई आज। ओके चलो मैं भी अपना थाली ले लेती हूँ। ट्रस्ट मी गाइस, लास्ट टाइम से भी 3 गुना बेहतर इस बार ये बटर चिकन बनी है। वैसे मैंने बहुत ही कम टाइम लेके जो मेरे घर पे इंग्रेडिएंट्स था मैंने उसी से ही बनाई है, उसके बावजूद भी ये 3 times बेटर इस बार बनी है। सौरभ ने तो आप लोगों ने तो सुन ही लिया, और मेरे तरफ से भी एकदम मैं फुल्ली सेटिस्फाई हूँ आज ये रेसिपी आप लोगों से शेयर करके। तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग घर पर एक बार ये ज़रूर बनाना और मुझे फीडबैक शेयर करना कि कैसा लगा है। ट्रस्ट मी, इट्स जस्ट ऑसम। अभी तो मैं सोचूँ कि घर पर अगर कोई गेस्ट आते हैं ना, तो मैं उन लोगों को बटर चिकन तो एक बार डेफिनेटली बना के खिलाऊंगी। आज का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में मैं डेफिनेटली बना के खिलाऊंगी। तो चलिए, अगर टमी खुश तो सब लोग खुश, सब लोग खुश तो मैं खुश। तो अभी चले जाते हैं खुशी खुशी बेड पे और फ्रेश होके सो जाते हैं। कल सुबह सुबह और एक फ्रेश नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो जाएंगे। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, गुड नाइट।